और माननीय जो हमारे महोदय हैं जो मिलोर्ड काफी गंभीर है, सरकार का जो दलील है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम पर जाकर के वो अपनी बात रख रहे थे। जो दलील पटना की जनता ने जिस तरीके से भोगी है वो दलील उनका सही नहीं था, लेकिन जो सभी लॉयर ने जो बात कही है, चाहे पूर्व के न्यायाधीश महोदय शर्मा साहब या मिहिर कुमार झा के समय, अन्य लॉयर का पूरे पटना के लॉयर की ये फीलिंग है कि इसके पहले भी माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा बहुत ही गंभीर निर्णय दिए गए थे जिस पर आज तक एक्सक्यूट नहीं हुआ। अलग अलग तरीके से कई सारे बड़े सीनियर्स लॉयर ने पटना के सिवरेज से लेकर के कई पदाधिकारी के और कई कंपनी जो कि बाढ़ हो गया था उस कंपनी को किस तरीके से यहाँ पर काम दिया गया, सारे कंपनियों को बिना किसी डीपीआर के काम दिया गया, ये सारी बातें सारा पक्ष रखा गया मिलोर्ड के पास। मुझे लगता है कि जो मैं समझा हूँ कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महोदय जो यहाँ के हमारे न्यायाधीश महोदय हैं, ये लगातार अभी इनिशियल गवर्नमेंट से कुछ कहा गया है जिसमें डेंगू एक बड़ा मामला है, तुरंत पानी का मामला सबसे ज़्यादा सीरियस है और इस पर कई लोगों ने कहा कि हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एक जांच कमेटी बने जो मॉनिटर हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय के अंडर में हो। किसी ने कहा कि हमारे वर्तमान पूर्व न्यायाधीश महोदय के कमेटी के तहत इसकी पूरी मुकम्मल जांच हो, तो सारी बात विपक्ष के तरफ से रखी गई है सरकार की निगिलेंसी की। सरकार इसमें जिम्मेदार है, पदाधिकारी गवर्नमेंट कस्टडियन होते हैं ना कि पदाधिकारी। 23,000 करोड़ रुपया पटना पे खर्च हुआ यह सवाल आया है, 6,000 करोड़ रुपया सीवरेज पर खर्च हुआ ये सवाल आया है, और उसके बाद माननीय न्यायाधीश महोदय ने पूछा कि किस तरीके से नाले पर जो आज आप तोड़ रहे हैं या कुछ भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो पहले बसने आपने कैसे दिया, आप कैसे बिना किसी कानून के नगर निगम जिस तरीके से पटना को चारों तरफ से बाढ़ कर दिया है बिना सीवरेज के, बिना रोड के, बिना किसी लॉ के, ये आपकी गवर्नमेंट ने किया है, तो काफ़ी गंभीर हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पटना जो आज़ादी के बाद पहली बार जिस तरह का सिस्टम का आतंक देखा है, जिस तरह सरकार ने निगिलेंसी की है, मजे ले रहे हैं सरकार हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं, लॉयर्स जो डेथ किए हैं उस पर कोर्ट काफ़ी गंभीर थे, अन लोगों ने जो डेथ किया है कोर्ट काफ़ी गंभीर थे और इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये गंभीरता है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय पर काफ़ी नाराज़गी उन्होंने कही है, व्यक्त किया है कि अभी तक। और दूसरी बात कि पानी किसी हथियार नक्षत्र से जो सवाल मंत्री ने किया ये भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कहा गया है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने निगिलेंसी बरती पानी के बाद 9 दिन 6 दिनों तक पटना की जनता को मरने पर मजबूर किया, ये सवाल आज कोर्ट ने क्या कहा और क्या क्या कि अगली सुनवाई कब होगी क्या कुछ होगी, मुझे लगता है वो लॉयर साहब आपको बताएंगे, लेकिन मुझसे कोर्ट ने कहा कि आप अगली बहस में आप हिस्सा लें, मैं आपको सुनूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह केस में सबसे ज़्यादा जो सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि एजी की रिपोर्ट है कि हम 2009 से सरकार को बताते रहे हैं कि हर साल 2000 करोड़ रुपया घोटाला किया गया है, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, ये रिपोर्ट मैंने फाइल किया है।